नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6, जिसका शीर्षक था बहुत हुआ, जो कि एक कविता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है शब्दार्थ, जो आपकी पोयम में, जो आपकी कविता में कठिन शब्द आए वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। अब हम जानते हैं इनके अर्थ को, ठीक है। तो पहला शब्द है कीचड़। कीचड़ मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बताती हूँ। कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मड, ठीक है, और हिंदी में होता है पानी में मिली हुई मिट्टी, उसी से कीचड़ बनती है, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ पानी में मिली हुई मिट्टी, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कीचड़ का अर्थ इंग्लिश में मड। सेकेंड वर्ड है चूहा। कहते ना चूना मतलब टपकना, ठीक है, जैसे छत को, छत चू रही है मतलब छत टपक रही, छत से पानी टपक रहा है, तो चूना मीन्स टपकना, ठीक है, पानी टपकना। नेक्स्ट वर्ड है बोरियत। इंग्लिश में आप बोलते हैं बोर हो गए, ठीक है, और हिंदी में बोरियत का अर्थ होता है उबाऊपन, उब जाना, ठीक है, उबाऊपन, उबाऊपन, ठीक है। थर्ड वर्ड है ज्यों। ज्यों का अर्थ होता है जैसा, ठीक है, ज्यों मीन्स जैसा। अगला है मौन। मौन मीन्स चुप होना, साइलेंट, ठीक है, तो मौन का अर्थ होता है चुप, ठीक है बच्चों, मौन का अर्थ होता है चुप। अगला शब्द है सुआ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में टब के ऊपर लिखा भी था। सुआ का मतलब क्या था? यस, सुआ का मतलब तोता, ठीक है, इंग्लिश में जिसे आप पैरट बोलते हैं, तो सुआ मीन्स तोता। अगला शब्द है ताल। ताल को इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं, पॉन्ड मीन्स तालाब, ठीक है, ताल से तालाब। यस, लास्ट है दुआ। वाक्य क्या था पोयम में? तुम भी भैया करो दुआ, ठीक है, तो दुआ मीन्स प्रेयर, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रार्थना, प्रार्थना, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके शब्दार्थ। तो चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो बच्चों, जैसे ही आप बारिश का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले, मुझे पता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कागज की नाव का। कुछ बच्चों के दिमाग में बारिश का नाम सुनते ही याद आता है चाय के साथ पकौड़े, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बारिश का नाम सुनते ही, वो यहाँ आपको लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलैये, पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव। भाई बारिश होती है तो छाते का भी दिमाग में तुरंत आ जाता है कि छाता, है ना। तो जो भी आपके दिमाग में आता है बारिश का नाम सुनते वो यहां आपको लिखना है। ताल तले ये मीन्स तालाब, आसपास नदी, ठीक है, ये सब। अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जब भाई बारिश हो जाती है तो बाहर खेलना तो मुमकिन नहीं है, आप कहाँ खेलेंगे और कौन कौन से खेल खेलेंगे, ये आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। तो यहाँ मैंने खेलती हूँ एक लड़की के लिए लिखा है, जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे, खेलता हूँ, ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? भाई जब बारिश होगी तो कैसा नजर आएगा आसपास, वो यहाँ आपको लिखना है। यहाँ लिखा है, यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैये भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। ताल तलैये भर जाएंगे मतलब आसपास जो तालाब है, नदी है, वो सब भर जाएंगे और जगह जगह कीचड़ कीचड़ नजर आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? आपको बस सोचना है और लिखना है। यहां मैंने लिखा हुआ है, बारिश में काफी मात्रा में पानी बरसता है, यह सब पानी ताल तलैयों
नदी नालों तथा समुद्र में जाता है। भाई पानी कहाँ जाता है, या तो आसपास में नदी तालाब है उनमें जाएगा, ठीक है, समुद्र में जाएगा, या फिर धरती उसको सोख लेगी। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो आपको बताना है, ये जो नीचे लिखे हैं, लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर, ये सब क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए, क्या करेंगे? तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे, और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। आप भी ऐसा ही करते हैं, जब बारिश होती है तो घर में बैठ जाते हैं, और कहीं बाहर जाना है किसी काम से तो क्या, छाता लेकर जाते हैं, ठीक है, छतरी या छाता। कबूतर क्या करेगा, कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। केंचुआ, केंचुआ जमीन के नीचे रहता है तो जमीन में ही रहेगा, बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है, केंचुआ जमीन के अंदर ही रहेगी, रहेगी लिखा है, रहेगा आएगा बेटा, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है केंचुआ, केंचुआ एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता क्या करेगा, किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। मछली, मछली तो आपको पता ही है कहाँ रहती है, पानी में, और जब मछली पानी में रहती है तो कितना भी पानी बरसे, कितनी भी बारिश हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, तो मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा। मोर, मोर जो है झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।